आलू वाले पकौड़े, बैंगन वाले पकौड़े, प्याज वाले पकौड़े, पालक वाले पकौड़े। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं। पकौड़े नहीं भाईजान, पकौड़े नहीं, खाली रोजे फर्ज किए गए हैं, पकौड़े नहीं। अब अफतारी में घर में पकौड़े ना बने तो मजा नहीं आता, पर भाईजान हथौला रखना वरना भाई वाला हाल हो जाना है। स्टमक ओके माफिया मांग रहा है, सुकून कर जा, बस कर दे पकौड़े। दफा तो आपका भाई पकौड़ों के लिए क्रेजी हो गया। आलू वाले पकौड़े, चिकन वाले पकौड़े, बैंगन वाले पकौड़े, प्याज वाले पकौड़े, पालक वाले पकौड़े और डबल रोटी वाले पकौड़े भी बनवा लिए। फिर क्या था, लाइफ जिंगल आला। हाय, अब मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। आए हाय 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 आए हाय 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 चस्सा। हथौला रखा होता तो गैविस्कान और आइजिक के सहारा ना लेना पड़ता। ऐ देखो मेरी तौबा, तुसी भी सुकून करो और इजी होके खाओ, थोड़ा खाओ। पेट अपना है, मैदा अपना है और खाना भी अपना है। ना खाने ने कहीं भागना है, ना मैदे ने कहीं भागना है। भाई का हाल देख लो, इजी हो जाओ और सुकून से खाओ, रोजा रखो और थोड़ा थोड़ा करके खाओ और मस्त रहो।